हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो आज मैं करने वाली हूँ मीशो का फेस्टिव वियर का हॉल वीडियो। आई नो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, बट जितने भी कलेक्शन है काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड सारे के सारे आई गेस 600 कुछ के होंगे। एंड जितने भी मैंने मंगवाए हैं काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड कुछ कुछ में क्वालिटीज थोड़ी बहुत आपको कम लग सकती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फर्स्ट वी हैव दिस अनारकली सूट जो कि पूरा प्रिंटेड सूट है एंड सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ। फर्स्ट वी हैव दिस अनारकली सूट जो कि पूरा प्रिंटेड है एंड इसमें थोड़ा सा बोट टाइप का नेक है और ये पूरा इसमें लॉन्ग स्लीव्स दी हुई हैं एंड ये पूरा जॉर्जेट का कपड़ा है। इसका नीचे का जो फ्लेयर है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, एक बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो सही दिया हुआ है। प्राइस के हिसाब से तो काफी ज्यादा सही है और अंदर की साइड लगी है ये वाली लाइनिंग, तो सी थ्रू तो ये बिल्कुल भी नहीं है एंड स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगी हुई है और पीछे बांधने के लिए दिया है ये डोरी, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। और इसके साथ पैंट नहीं दिया गया है, इसके साथ दिया है दुपट्टा। दुपट्टा है इस टाइप का, आपने मीशो पे ऐसे काफी सारे दुपट्टे देखे होंगे या फिर ऐसे वाले दुपट्टे काफी ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन इसकी एक ही मुझे बुराई लगती है जो कि सिर्फ आपको मीशो पे मिलेगा। अगर आप कहीं और से लोगे या इंस्टाग्राम पेज वगैरह से लोगे ना तो आपको काफी ज्यादा अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाएंगे। इसमें मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि ये जो निकलते हैं ना इसकी ये जो आई डोंट नो ये इसका ये जो धागा सा निकलता है ना ये मुझे सबसे ज्यादा गंदा लगता है। और सिर्फ इसमें यही चीज खराबी है और इसका जो दुपट्टे की लेंथ है वो काफी छोटी लेंथ है, बट ठीक है छोटी लेंथ भी चलती बट ये चीज नहीं चलेगा। लेकिन जो इसका फैब्रिक है दुपट्टे का वो भी जॉर्जेट वाला है और इसको आप अपनी पैंट किसी भी ब्लैक कलर की पैंट या किसी भी पजामी के साथ पहन सकते हैं। इसको जब मैंने लिया था तो इसको मैंने लिया था 529 रुपीज में और इसका रीसेंट प्राइस है 526, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्मॉल साइज में मैंने लिया था, साइज मुझे परफेक्ट आया है और यस इसको मैं दूंगी, अच्छा इसको मैं दूंगी 10 में से 7 मैं इसको दूंगी। अगर इसका दुपट्टा अच्छा होता सुंदर होता तो 10/10 जा सकते थे, बट 10 में से मैं इसको 7 दूंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ये पिंक कलर का सूट जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड फेस्टिव वेयर के हिसाब से तो काफी ज्यादा परफेक्ट है। तो ये कुछ पिंक कलर का है और ऊपर की साइड यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये सीक्वेंस का वर्क हो रखा है एंड गोल्डन थ्रेड से ये वर्क हो रखा है। साइड में ये मिरर्स भी लगे हुए हैं, फेक मिरर्स लगे हुए हैं एक्चुअली। इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन का फैब्रिक है, लेंथ इसकी काफी ज्यादा अच्छी है और नीचे की साइड भी कुछ इस तरह से जिगजैग वाली लेस लगाई हुई है एंड इसकी स्लीव्स 3/4 स्लीव्स है और स्लीव्स पे कुछ इस तरह की डिटेलिंग्स है। इसके ऊपर ये जो फ्लोरल प्रिंट हो रखे हैं काफी ज्यादा सिंपल एंड सोबर सा लग रहा है, काफी ज्यादा सुंदर है। एंड इसके साथ दी हुई है ये फुल इलास्टिकेटेड पैंट जिसका प्रिंट जो है वो बांधनी प्रिंट है और बांधनी प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड ये कलर भी कितना ज्यादा प्रिटी है यार। इसको मैंने लिया था एक्चुअली लार्ज साइज में, मैंने अपने साइज का नहीं लिया है ये एंड इसको लार्ज साइज में लिया था लार्ज साइज में लिया था और साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसके साथ दिया हुआ है ये वाला दुपट्टा जिसमें अगेन बांधनी प्रिंट हो रखा है एंड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। लास्ट में ना इस तरह से फ्लोरल वाला प्रिंट किया हुआ है, सो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और फेस्टिवल पे आप ये अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं या अपनी मॉम को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं या खुद के लिए भी देख सकते हैं। खैर इसका प्राइस था जो मैंने लिया था 670 और अब इसका रीसेंट प्राइस है 597 रुपीज। तो इसको मैंने लार्ज साइज में लिया। अगर आप मेरे साइज के हैं, मेरी हाइट है, अगर आप 5'4" या 5'5" के हैं तो आपको लेना चाहिए। एक सेकेंड,
आप मीडियम साइज के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा बहुत आपको फिटिंग करानी ही पड़ेगी शायद, बिल्कुल थोड़ी बहुत, क्योंकि मीशो के ना हर कपड़े में थोड़ी बहुत फिटिंग करानी ही पड़ती है। बाकी क्वालिटी आपको पता ही है कि कैसी आती है। इसको मैं दूंगी 10 में से 9, 10 में से 9 दूंगी मैं इसको। काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है, काफी खूबसूरत है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कुर्ता जो कि उल्टा हो रखा है। ओके, काम फड़ाने वाले काम। नेक्स्ट वी हैव दिस पर्पल कलर का कुर्ता जो कि काफी ज्यादा, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है व्हाइट कलर से वो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो बहुत ज्यादा अच्छी हो रखी है। इसका वर्क देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इसका वर्क। एंड इसके ना बीच बीच में भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर सा सूट है ये। और इसमें ऐसे साइड में भी जो कट्स दिए हुए हैं ना, इन पर भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो है 3/4 स्लीव्स, एंड 3/4 स्लीव्स है। और स्लीव्स के आगे भी यहाँ पे इस तरह की डिटेलिंग दी हुई है। लेंथ इसकी मुझे थोड़ी सी छोटी लगी उस हिसाब से, क्योंकि पिक्चर में काफी ज्यादा लंबी लेंथ दी हुई थी। ये लेंथ मुझे उस हिसाब से काफी ज्यादा छोटी लगी। थोड़ा सा लंबा होता ना तो काफी ज्यादा सुंदर लगता। इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन फैब्रिक, सी थ्रू ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है ये फुल इलास्टिकेटेड पैंट, और ये पैंट कुछ इस तरह की है, और नीचे से इसमें अगेन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। साथ में दिया हुआ है ये दुपट्टा, दुपट्टे में इस तरह से लेस लगी हुई है व्हाइट कलर की, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड दुपट्टे की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है, तो मुझे ठीक ठीक लगी। मैं इसको लिया था 568 रुपीज में, और इसका जो रिसेंट प्राइस है वो है 562 रुपीज। और इसको मैंने लिया था अगेन लार्ज साइज में, ये मैंने अपने साइज का नहीं लिया है, तो ये लार्ज साइज में मैंने लिया था। आप को चाहिए अपने लिए तो आप ले सकते हो। आई गेस आप जा सकते हो मीडियम या स्मॉल पर, ठीक है। आप मीडियम या स्मॉल में से जा सकते हो, आपको साइज चार्ट देखना पड़ेगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ अब कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ये वाला जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, एंड ये काफी ज्यादा सुंदर है। इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है, पूरा प्रॉपर ऐसा कॉटन नहीं है, ठीक है, कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है। इसके कुछ प्रिंट्स हो रखे हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड ये पूरा ना गरारा सेट है, सेट गरारा सेट। ये पूरा गरारा सेट है, एंड जो ऊपर की कुर्ती है ना वो शॉर्ट कुर्ती है और राउंड में दी हुई है, पूरा इसमें राउंड है। लेकिन अगर पिक्चर से अगर हम कंपेयर करें ना तो काफी कुछ डिफरेंस हमें दिखेगा। पिक्चर में जो है घेर काफी ज्यादा अच्छा दिया हुआ है कुर्ती का, लेकिन एक्चुअल में घेर इतना ज्यादा हैवी नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कुछ ज्यादा फ्लेयर नहीं है। और साथ ही जो दुपट्टा दिया हुआ है ना, वो दुपट्टा कुछ अलग टाइप का है, और मुझे ये थोड़ा ऑर्गेन्जा वाला जो होता है ना, जो सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा होता है वो वाला दिया हुआ है कुछ इस तरह का। और इस पे भी लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की। एंड फिर भी पहनने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड इसके साथ जो गरारा दिया हुआ है उसमें
लेयर्स दी हुई हैं, उसमें थ्री लेयर्स दी हुई हैं, लेकिन इसमें ना फ्लेयर बहुत ज्यादा नहीं है और ऊपर से फुली इलास्टिकेटेड है, बट पहनने के बाद ना सीरियसली काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और इस प्राइस में तो आई डोंट थिंक सो कि आपको गरारा सेट कहीं पे भी ऐसे मिलेगा। बट ठीक है, काफी अच्छा लगा, लुक काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। ये कलर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है और मैं इसको 10/10 ही दूंगी। मेरी तरफ से तो ये वाला सूट बिल्कुल पास है। हाँ, अगर थोड़ा सा ऑर्गेन्जा वाला दुपट्टा नहीं होता और थोड़ा सा लॉन्ग दुपट्टा होता थोड़ा सा, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। इसको मैंने लिया है स्मॉल साइज में। एंड गाइस, इसका प्राइस, ओके, मैंने लिया था 546 में और इसका रिसेंट प्राइस है 539 रुपीज। काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, काफी ज्यादा। आप दुर्गा पूजा पे, सॉरी दुर्गा पूजा तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा अगर आप दुर्गा पूजा के लिए शॉपिंग करोगे तो, लेकिन दिवाली वगैरह के लिए आप देख सकते हो, दिवाली के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दिवाली के लिए देख सकते हो आप, भैया दूज के लिए देख सकते हो, काफी ज्यादा परफेक्ट लगेगा। तो यस, मेरी तरफ से 10/10 मैं इसको दूंगी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लिंक्स जितने भी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाके आप चेकआउट कर लेना। और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर मन हो तो, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, ऐसी जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।